और आज हम लोग बात करेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। पेशेंट्स हमसे बहुत रेगुलरली पूछते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में चक्कर क्यों आते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम डॉक्टर देवेशीष शर्मा है। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूं और आज हम लोग बात करेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। पेशेंट्स हमसे बहुत रेगुलरली पूछते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में चक्कर क्यों आते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एक बीमारी है जिसमें कि गर्दन की प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होने लगता है और उसमें कई पेशेंट्स को कई सारी कंप्लेंट्स होती हैं जिसमें चक्कर एक अहम रीज़न हो सकता है। और जनरली ये चक्कर पेशेंट्स को तब आते हैं जब वो गर्दन को आगे झुकाते हैं, पीछे ले जाते हैं, टर्न करते हैं, टिल्ट करते हैं या फिर पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे लेट के एकदम से बैठ गए या बैठ के एकदम से लेट गए, बहुत ज़्यादा झटकेदार ट्रैवल किया। कुछ पेशेंट्स को चक्कर के साथ साथ सर में दर्द भी हो सकता है, शोल्डर्स में या फिर उनके हाथों में सुन्नाहट झन्नाहट हो सकती है, और एडवांस्ड केसेस जो कि माइलोपैथिक केसेस होते हैं उनमें बैलेंस की दिक्कत या लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत भी हो सकती है। तो चक्कर आते क्यों हैं? देखिए, जब हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो जो बेसिक थ्योरी है वो उसमें क्या होता है कि जो सर्वाइकल स्पाइन होती है जब वो धीरे धीरे डीजेनरेट करने लगती है या उम्र के तकाजे के साथ ख़राब होने लगती है, तो उसमें बेसिकली जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं सर्वाइकल फेसेट जॉइंट्स। उन जॉइंट्स में गठिया होने लगती है। तो फेसेट जॉइंट आर्थराइटिस जब होने लगती है तो उसके कारण से जब मूवमेंट होता है स्पाइन का वो इतना स्मूथ और परफेक्ट नहीं होता और उसकी वजह से कई पेशेंट्स को चक्कर आ सकते हैं। दूसरा कारण चक्कर का होता है खराब हुई डिस्क। अगर आपको मल्टी लेवल स्लिप डिस्क है तो स्लिप डिस्क की वजह से भी जो रिलेटिव मूवमेंट है और जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है स्पाइन की वो कम हो जाएगी और झटका जोर से लगेगा, क्योंकि जिस जो डिस्क का ओरिजिनल काम होता है शॉक अब्जॉर्बर का वो नहीं कर पाएगी, और जब जोर से झटका अपर हेड बॉडी तक ट्रांसफर होगा तो पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। तीसरा कारण कभी कभी एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ वर्टिब्रल आर्टरीज भी होता है, जिसमें कि जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है उसमें प्लेग जमने की वजह से ब्लड सप्लाई ब्रेन को हैम्पर हो सकती है कुछ मोमेंट्स के लिए और उससे मरीज को चक्कर आ सकते हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है तो आपको चक्कर आ रहे हैं। इसके लिए आप अपने स्पाइन सर्जन से मिलके दवाइयां ले सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और कुछ दिनों के लिए कॉलर का यूज़ भी कर सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म कॉलर जो यूज़ अच्छा नहीं होता, वो हमारी मसल्स को वीक कर देता है, बट शॉर्ट टर्म कॉलर यूज़ कभी कभी हम लोग एडवोकेट करते हैं। पर यदि आपको ये सिम्टम्स लॉन्ग टर्म हो गए हैं, आपके हाथों में सुन्नाहट झन्नाहट हो रही है, आपको कोई ब्लैडर बबल सिम्टम्स आ रहे हैं या आपको वीकनेस आ रही है, तो आपको अपने स्पाइन सर्जन से मिलकर डिस्कस करना चाहिए केस को और ये पता लगाना चाहिए कि कहीं डिजीज़ ज़्यादा एडवांस तो नहीं हो गई है। हालांकि ज़्यादातर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के केस दवाई से, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी मरीज को ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है और आजकल ये ऑपरेशन एंडोस्कोप की मदद से किए जाते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से किए जाते हैं और कभी कभी ओपन सर्जरी के रूप में भी किए जाते हैं, और ये ऑपरेशंस बहुत सक्सेसफुल होते हैं और अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो आपका इलाज संभव नहीं है। आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए, अपने डॉक्टर को भरोसे में लेके उनसे बात करनी चाहिए और हो सकता है आपका इलाज दवाइयों से हो जाए या सर्वाइकल इंजेक्शन से हो जाए या सर्वाइकल ऑपरेशन से हो जाए। तो हार मत मानिए, लगे रहिए, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे, कोई परेशान की बात नहीं। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पेशेंट की रिपोर्ट है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप उस रिपोर्ट को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और हम लोग जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।